सभी को सादर जय श्री राम। साथियों, इससे पहले प्रसंग में हमने जाना धूमार्ष और वृषदंश का वध। अब बढ़ते हैं अगले प्रसंग की ओर। बाली पुत्र अंगद के हाथ से वृषदंश के वध का समाचार सुनकर रावण ने सेनापति अकलम्पन को उसके शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा करते हुए राम लक्ष्मण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। महापराक्रमी अकम्पन सोने के रथ में बैठकर असंख्य चुने हुए भयानक नेत्र वाले भयंकर राक्षस सैनिकों के साथ नगर से बाहर निकला। महासमर में देवता भी उसे कंपित नहीं कर सकते थे, इसलिए वह अकम्पन नाम से विख्यात था। रणभूमि में पहुंचते ही उसने दसों दिशाओं को कपाने वाला सिंहनाद किया। उसके सिंहनाद से अविचल वीर वानर सेना राक्षस दल पर टूट पड़ी। एक बार फिर युद्ध प्रारंभ हो गया। उन सबकी ललकारने और गरजने के स्वर के सामने सागर की गर्जना भी फीकी प्रतीत होने लगी थी। परस्पर युद्ध करते हुए वानरों और राक्षसों के द्वारा उड़ाई गई लाल रंग की धूल ने दसों दिशाओं को आच्छादित कर दिया और संपूर्ण वातावरण अंधकारमय हो गया। उस महाअंधकार में योद्धा अपनी तथा विपक्षी दल के सैनिकों में भेद न कर सके। वानर वानरों और राक्षसों राक्षसों को मारने लगे। इस युद्ध में वीर वानर कुमुंद, नल, मेंद और द्रविंद ने कुपित को अपना उत्तम वेग प्रकट किया तथा उनके इस वेग से उत्साहित वानरों ने क्रोधित होकर वृक्षों, शिलाओं, दांतों तथा नाखूनों से रिपुदल में भयंकर मारकाट मचा दी, जिससे उसके पांव उखड़ने लगे। अपनी सेना के पैर उखड़ते देख अकम्पन मेघों के समान गर्जना करके अग्नि बाणों से वानर दल को जलाने लगा। वानर सेना को इस प्रकार अग्नि में भस्म होते देख परम तेजस्वी पवन पुत्र हनुमान ने आगे बढ़कर अकम्पन को ललकारा। जब अन्य वानरों ने हनुमान का रौद्र रूप देखा तो वे भी उनके साथ फिर फुर्ती से युद्ध करने लगे। उधर हनुमान को देखकर अकम्पन भी गर्जा। उसने अपने तरकस से तीक्ष्ण बाण निकालकर हनुमान को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने वार बचाकर एक विशाल शिला अकम्पन की ओर फेंकी। जब तक वह शिला अकम्पन तक पहुंचती तब कर उसने अर्धचक्रकार बाण छोड़कर उस शिला को चूर चूर कर दिया। इस प्रकार शिला के नष्ट होने पर हनुमान ने कर्णिकार का वक्ष उखाड़कर अकम्पन की ओर फेंका। अकम्पन ने अपनी एक बाण से उस वृक्ष को भी नष्ट कर दिया और एक साथ 14 बाण छोड़कर हनुमान के शरीर को रक्त रंजित कर दिया। इससे हनुमान के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर अकम्पन के सिर पर दे मारा। इससे वह प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। अकम्पन के मरते ही सारे राक्षस सिर पर पैर रखकर भागे। वानरों ने उन भागते हुए शत्रुओं को पेड़ों तथा पत्थरों से वहीं कुचल दिया। जो शेष बचे उन्होंने रावण को अकम्पन के मरने की सूचना दी। साथियों, आज के प्रसंग में हमने जाना अकम्पन का वध। अगले प्रसंग में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।